नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये मेरा डेली रोटेशन का ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये मेरे लाइफ पार्टनर जो कि जो हो चुके हैं, तो उनको काट रही है और इनको काटने के बाद इकट्ठा कर देती है ताकि सूख जाए। और उसके बाद हम लोग हो जाते हैं तैयार। तैयार होने के बाद फिर चल देते हैं मिठला देने। तो मिठाइयों के दुकानों में खचाखच भीड़ पड़ी रहती है। काफ़ी इंतजार करने के बाद फिर हम लोग निकल गए वहाँ से मिठाई लेके। नेपाल को बॉर्डर के किनारे पहुँचे थे जो कि पार होने वाले हैं। तो जैसे ही तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, धूप भी खिली हुई थी। तो मेरे लाइफ पार्टनर जा रहे थे, तो वहाँ पहुँच गए अपने भानिज के घर पर। तो भानिज के घर पर जाने के बाद सबसे पहले मुलाकात होती है छोटे हमारे नातियों से। उन्हें आशीर्वाद लिया उनसे, और उसके बाद मेरे लाइफ पार्टनर ऑलरेडी अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं। भानिज हमारे, दीदी हमारे बैठी है इनके घर पर। फिर उसके बाद वहाँ से आए तो देखा कि ये सूख चुके हैं, तो इसको भी चुटाई कर दी जाए। ये जौ हैं, जौ को चुटाई कर दी। जौ के चुटाई करते करते पता चला कि बाकुली भी हमारी सूख रही है, तो क्यों ना इसको हाथ से मारा जाए। तो बाकुली की जो दाल बनेगी, पहले हरे में सब्जी बनती है, तो इसको हम बढ़िया करके साफ कर लेते हैं। चुटाई कर ली, और चुटाई करने के बाद बकरी अकेली बाहर आई थी। तो उसके बाद मुन्ना हमारा अंदर से चिल्ला रहा था, तो लाइफ पार्टनर उसको लेके आई। तो आजकल ये काफ़ी शैतान हो गया है, मारने को पीछे आता है। इसके बांधने के बाद ये देखो, हमने दाल बना के हमने तैयार हो गई है बाकली जो हमारी सुखाई थी। तो इस बाकली को अब सफाई की जाएगी। काफ़ी पसीना हो गया इनको काम करते करते, पसीना क्यों ना हो। मार्च का महीना समाप्ति की ओर है, तो पंखे भी हमारे इंतजार कर रहे हैं बिजली का बिल बढ़ाने के लिए। तो थोड़ी देर हवा खा लेते हैं ताकि हम भी ठंडे हो जाएं। उसके बाद बाहर देखा कि काफ़ी हरे भरे पेड़, आमों में पूर्ण रूप से बौर आ चुका है। सभी हमारे फलों के पेड़ों में बौर आ गए हैं, तो हम फलों का स्वाद लेंगे आने वाले एक महीने बाद। डॉली भी प्यास लग गई बोलती है, इसको भी चाहिए फ्रिज का पानी, तो मैं इसको पिला देता हूँ फ्रिज का पानी। फिर देखा कि साथ में गर्मी आने लगी, गर्मी आते आते हमारे गौ माता को मच्छर काटेंगे, तो इसलिए मेरी लाइफ पार्टनर ने बना दी है मोर्टिन, जो हाथ से घर में ही बनाए जाते हैं। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? और जो नए मेरे चैनल में नए होंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।